हेलो दोस्तों, आप सभी को सेवा जोहार। मैं इलम सिंह कोराम और हमारे दोस्त साहू सर। आज हम लोग हाथी रेस्क्यू सेंटर का आप लोगों को शेयर कराएंगे। यहाँ से जाने का रास्ता स्टार्ट होता है और यहीं से हाथी रेस्क्यू सेंटर जाते हैं। ये सूरजपुर जिला में तमोर पिंगला अभ्यारण्य में स्थित है और यह प्रतापपुर से लगभग 35 से 40 किलोमीटर में है, जो वनांचल क्षेत्र में है और वनांचल क्षेत्र होने के कारण बहुत से कम लोग आ पाते हैं। तो आप लोग भी जरूर आइएगा एक बार देखने, हम आपको आगे ले चलते हैं। ये बोर्ड बना हुआ है और यहीं से प्रवेश द्वार है, यहीं से अंदर जाते हैं। लगभग 2 किलोमीटर पड़ता है। तो भाई आप लोग बने रहिएगा इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक। हम लोग आज हाथी रेस्क्यू सेंटर का शेयर कराएंगे। अब हम लोग पहुंच गए हैं रेस्क्यू सेंटर, अंदर जा रहे हैं। तो भाई ये है हाथी रेस्क्यू सेंटर का कैंपस। यहाँ कर्मचारी और महावत लोग रहते हैं। मैं कैंपस का शेयर करा रहा हूँ आप लोगों को। इधर आप लोग देख सकते हैं ये टावर बना हुआ है और इधर वन रक्षक निवास है। इधर देख सकते हैं वन विभाग छत्तीसगढ़ शासन। और ये छोटा सा बोर, यहीं से पानी का उपयोग किया जाता है। और इधर आप लोग देख सकते हैं यहाँ महावत लोगों के लिए रहने का व्यवस्था बनाया गया है, रूम बनाया गया है, यहीं महावत लोग रहते हैं। और इधर स्टोर रूम, हाथी लोगों के लिए पूरा खाद्य सामग्री रखा जाता है। तो भाई यहाँ पर एक छोटा सा बच्चा है हाथी का, मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को हाथी का बच्चा। पैरा को खाता है? नहीं। अच्छा, तो भाई यहीं से अंदर प्रवेश करते हैं। क्राल से अंदर जाने का प्रवेश द्वार यहीं से है, यहीं से अंदर जाते हैं। तो भाई ये जो बड़ा बड़ा बना है ये क्राल बोलते हैं इसको, इसी में हाथी लोगों को रखा जाता है। आप लोग देख सकते हैं इधर बहुत बड़ा बड़ा हाथी है। मैं पास में ले जा करके आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये देख सकते हैं पानी पी रहा है। इधर टंकी बना हुआ है और यहाँ से पानी पीने का व्यवस्था है। इधर पानी पी रहा है, देख सकते हैं। चल ले मत। इधर देख सकते हैं है, तो कितना उम्र कर होगी? अभी हमारे तो 40, 42, 45, 52 इतना तक तो रखे। यहाँ ताजा पानी पिएगा जो है ना बोर से, आप लोग देख सकते हैं। आ।
ऐसे पानी पिया जाता है बोर से। पाइप को डाल दिया गया है, अब पानी पी रहा है। इसको ऐसे ही धोया जाता है पाइप लगा करके। बैठ रहा है महावत लोग का बात को जानता है और सुनता है, पूरा सिखा दिए हैं। ये बैठ रहा है देख सकते हैं। इसके बाद धोएंगे चारों तरफ से। अभी धो दिए हैं तो अच्छा दिख रहा है ना साफ। भैया वही भीतर अंदर बता तो भाई उसके पैर में तेल लगाया जा रहा है ताकि पैर नॉर्मल रहता है। अब इधर देख सकते हैं तेल तेल है तेल मुलायम रखते हैं। जहाँ तक लगे से वहाँ तक अलग ही दिक्कत है। पीछे का पैर में भी तेल लगाया जा रहा है। फिर अजय तोर बदमाशी में देखत हूँ। अभी नया साल में आना जाना शुरू करेंगे आदमी। बहुत आदमी आते जाते हैं शाम शाम को, इतना भीड़ रहता है। अभी तो बढ़ गई कहने लायक नहीं। अभी बढ़ गई नहीं आदमी देखे वाला। ये देखिए इसको बैठा रहे हैं, इन लोग के भाषा से बैठता है। Oh, okay.
तो भाई आज मैं आप लोगों को हाथी रेस्क्यू सेंटर का शेयर कराया। आप लोगों को यह वीडियो कैसे लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा और साथ में बेल आइकन के घंटी को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा और उस वीडियो को आप देख पाएंगे। तो भाई ये वीडियो यहीं तक। आप सभी को फिर से सेवा जोहार। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।